नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में इस्लाम नगर में एक बेहद ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मुजफ्फरनगर एक बेहद ही संवेदनशील इलाका है जहां पर कभी भी किसी भी समय पर हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई हो जाती है, और जैसा कि इतिहास गवाह रहा है कि पहले भी और आज भी हमेशा लड़ाई मुसलमानों की तरफ से शुरू की जाती है। मुजफ्फरनगर के इस्लाम नगर में एक मस्जिद में बुलंदशहर और पश्चिम बंगाल से आकर के कुछ मुसलमान रह रहे थे। यहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर है। यहीं पर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास सैनी उस समय पर साफ सफाई कर रहा था। अचानक अंदर से कुछ टूटने और फूटने की आवाज़ आती है। कार्यकर्ता दौड़कर मंदिर के अंदर जाता है। वहाँ पर देखता है कि दो मुस्लिम मिल करके हनुमान मंदिर में अंदर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। वहाँ पर मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, आसपास के सामान को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद में क्या होता है कि यह कार्यकर्ता उन दोनों को दबोच लेता है, जिसमें से कि एक भागने में कामयाब होता है, दूसरा पकड़ा जाता है। वहाँ पर शोर मचाया जाता है, आसपास के सभी हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं और इस व्यक्ति को पीटकर उसकी खूब अच्छे से कुटाई करते हैं, धुनाई करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह मुजफ्फरनगर है, यह कोई दिल्ली नहीं है जहाँ पर जब सांप निकल जाए तो उसके बाद में उसके द्वारा पड़ी हुई लाइन के ऊपर लाठियाँ पीटी जाएँ। वैसा मुजफ्फरनगर में नहीं होता है। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब बढ़िया अच्छे तरीके से उसकी धुनाई हो जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है और पकड़ करके उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर इस व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद मूसा, जिसके बाप का नाम है मोहम्मद इस्लाम, यह रहने वाला है बुलंदशहर का, अगर इसके यहाँ पर किसी भी तरीके से मौत हो जाती, और या फिर ये समझ लीजिए कि अब से कुछ दिनों के बाद में पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हो जाती है, तो इसी को लिंचिंग कहा जाएगा। और भारत देश का मुसलमान जो आज भी तकरीबन 300 से 400 स्थान पर पहले ही तबरेज की हत्या के मामले में हिंदुओं को कोस चुका है, आरएसएस बजरंग दल के मुर्दाबाद के नारे लगा चुका है, यहाँ के संविधान को ललकार चुका है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कर चुका है, ये लोग भी क्या कहते, ये लोग भी कहते कि भारत का कैसा संविधान है, ये भारतवर्ष कैसा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को जिनकी भावनाएं मंदिरों से और उनकी मूर्तियों से आहत होती हैं उनको एक छोटा सा मंदिर भी तोड़ने की इजाज़त नहीं है। इस भारतवर्ष में असहिष्णुता अपने चरम पर है, क्योंकि यहाँ पर हम मुसलमानों को काफिरों के बीच में रहते हुए अपनी भावनाओं को आहत करते हुए जीना पड़ता है। दोस्तों, यही होना है, यह आज वर्तमान में हो रहा है, इससे भी विभत्स हमको दृश्य भविष्य में देखने को मिलने वाले हैं। और उसका कारण यह है कि इस्लाम खुले तौर पर सभी मुशरिकों यानी कि मूर्ति पूजकों के खिलाफ है। वो कहता है कि उनकी भावनाओं की कहीं भी कद्र नहीं करनी है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपने सिर्फ अपना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के झंडे के नीचे पूरी धरती को लेकर के आना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इससे पहले भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं। आज की खबर है कानपुर में, जिस समय पर जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं, मुझसे मेरी पिटाई की गई है, ऐसा एक मुस्लिम ने कहा था, ऑटो ड्राइवर ने कहा था, उसकी पूरी तफ्तीश हुई तो उसमें पता पड़ा कि उसने सरासर झूठ बोला था। ठीक वैसे ही जैसे गुरुग्राम में हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अपसी मियाँ के केस में हुआ था। यह हिंदुओं को बदनाम करने की लगातार साजिशें हो रही हैं, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग आपके साथ में पिन टेस्ट कर रहे हैं। पिन होती है ऑल पिन, वो आपको चुभा कर देखते हैं कि इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। दिल्ली में आपका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आपके पुजारी जाकर के मोमिनों मुस्लिमों के मौलवियों की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, इनकी पूरी तैयारी होती है। वो नाबालिग बच्चों को आपका मंदिर तोड़ने के लिए भेजेंगे ताकि उसके ऊपर लंबा केस ना चले। अगर माहौल बिगड़ता देखेंगे तो वो लोग आपके पास आएंगे, आपसी भाईचारे की बात करेंगे और पैसा वैसा देकर आपके पुजारियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से बच्ची ट्विंकल के साथ में हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, पूरे भारत में एक व्यापक जन आंदोलन पैदा नहीं हुआ, उन लोगों ने इस बात को जांच लिया। उसके बाद में पूरे देश भर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार भी हुए, उनको जिंदा भी जलाया गया। ये फोटो साइड में आप देख सकते हैं, इसका नाम है मोहम्मद नन्ने, इसने दिल्ली में एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया है।
और यह अब पकड़ा गया है और इसके पकड़े जाने के बाद में चाहे आप देख लेना, रिहाई मंच एकदम सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए आप लोगों की भावनाएं आहत करना बेहद सिंपल है, बेहद ही आसान है, लेकिन हमारी सरकार अभी भी विश्वास जीतने में लगी हुई है। दोस्तों, मैं आपको कुछ आयतें ऐसी हैं, कुछ ऐसी हदीसें हैं जो पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, जो बताएंगी आपको, जिनसे आपको पता लगेगा कि मुसलमान इतने क्रूर क्यों होते हैं और हमारे मंदिरों के, मूर्तियों के, हमारी आस्थाओं के, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ इतने बड़े स्टैंड क्यों ले लेते हैं और क्यों वो आकर के सीधे उन पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह कुरान जो आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद फारूक खान के द्वारा अनुवादित है और इस कुरान मजीद में सूरा 9 आयत संख्या 33 में साफ लफ्ज़ों में लिखा है, वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे समस्त दीन का प्रभुत्व प्रदान करे, चाहे मूर्ति पूजकों को नापसंद ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप मूर्ति पूजक हैं और आपको नापसंद है कि आपके मंदिरों में मूर्तियाँ तोड़ी जाएँ, आपको ये भी नापसंद है कि आपके मंदिर के ऊपर हमला किया जाए, आपको ये भी नापसंद है कि आपके मंदिर के आसपास कहीं भी मांस बेचा जाए, आपको ये भी नापसंद है कि आपकी छोटी छोटी बच्चियों को उठाया जाए, आपको जो कुछ भी नापसंद होगा, मुसलमान उसी कार्य को करते हैं। साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर आप ये देखते भी होंगे कि वो उसी कार्य को करते हैं जिसको आप नहीं करते हैं। आप किसी कार्य को जिस तरीके से करते हैं, मुसलमान उसका ठीक उल्टा करने की कोशिश करता है। ये है वजह किसी मुसलमान के आपके खिलाफ और आपके विपरीत जाने के लिए, क्योंकि आयत संख्या 9:33 इसकी आज्ञा देती है, किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना ही अंतिम दिन पर यानी कि कयामत पर, और ना ही उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और रसूल ने हराम ठहराया है, और सच्चे दीन को अपना दीन बनाते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित होकर अपने हाथ से जजियाँ देने लगे। आयत संख्या 9:29। आगे बढ़ते हैं, और उनसे यानी कि जो गैर ईमान वाले यानी कि जो हिंदू हैं उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना शेष न रहे और दीन इस्लाम अल्लाह का हो जाए। आयत संख्या 2:193। और तुम उनसे यानी कि जितने भी गैर ईमान वाले हैं, ईमान वाला केवल मुसलमान होता है, उनसे अलग जितने भी हैं वो गैर ईमान वाले हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन यानी कि इस्लाम पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। 8:39। फिर जब हराम के दिन बीत जाएँ यानी कि जब इनके रमज़ान के दिन बीत जाएँ, तो मुशरिकों यानी कि मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं भी पाओ उनको कत्ल कर दो और उनको पकड़ो और उनको घेरो और हर जगह पर उनकी घात लगाकर उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर लें और नमाज कायम कर दें और जकात दे दें तो उनका रास्ता छोड़ दो। आयत संख्या 9:5। तो दोस्तों, इनमें से तो आप सभी हो, मुशरिक भी हो, आप इन पर विश्वास भी नहीं करते हैं, आप कयामत पर भी विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आप अपने भगवान पर विश्वास करते हैं, आप रमज़ान पर नहीं अपने नवरात्रों पर विश्वास करते हैं, और इसमें आपकी गलती क्या है? ये भारतवर्ष आपका देश है, आपकी जन्मभूमि है, जबकि एक अरब देश से उठा हुआ आया हुआ एक आयातित यहाँ पर प्लांट किया हुआ एक ऐसा दिन है जिससे हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं था, लेकिन ये वहाँ से आकर के यहाँ पर आज हमी को कत्ल करने का आदेश देते हैं इस कुरान के हिसाब से। अगर कोई मुसलमान इन आयतों को नकारना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन सच्चाई से कहाँ तक भागोगे? हदीसें भी इसी प्रकार की बहुत सारी खूनी आयतों से भरी हुई हैं और हमारा हिंदू समाज के पुजारी, कायर और कमज़ोर पुजारी इस बात को नहीं समझते हैं कि कुरान में स्पष्ट तौर पर आपके ही कत्ल के लिए लिखा हुआ है। वो जाकर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं। आज जितने भी मंदिर हमारे टूट रहे हैं, मूर्तियां विखंडित हो रही हैं, ये सब का सब कुरान का आदेश है। दोस्तों, हर मुसलमान इस बात से डरता है कि अगर उसने जिहाद नहीं किया तो उसके ऊपर अल्लाह का कहर बरसेगा, और इसके लिए आपको आयत संख्या 9:39 पढ़नी पड़ेगी। इसमें लिखा है, यदि तुम जिहाद पर नहीं निकलोगे, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह तुम्हें दुख देने वाली यातनाएं देगा और तुम्हारे सिवा किसी और गिरोह को ले आएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। यानी कि हर मुसलमान को, हर मोमिन को इस बात का खतरा रहता है कि अगर उसने मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को नहीं मारा, इस्लाम को ना मानने वालों को नहीं मारा, तो इस्लाम का अल्लाह उनका कत्ल कर देगा और उनको ख़त्म करने के लिए दूसरे गिरोहों को ले आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह खुद खुलेआम गिरोहों की धमकी देता है
वो अल्लाह है, इस पूरी धरती का सृष्टि करता है, सृष्टि रचयिता है, अथवा एक गैंगस्टर है, गुंडा मवाली बदमाश है, ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा हदीसों पर भी प्रकाश डाल देते हैं कि उसमें मोहम्मद साहब ने हम सब मुशरिकों के लिए क्या आदेश किया है। उसमें मोहम्मद ने कहा है कि जब तुम गैर मुसलमानों से मिलो तो उनके सामने तीन विकल्प रखो। सबसे पहला उनसे कहो कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो। दूसरा विकल्प उनके सामने रखो कि तुम जजिया टैक्स दे दो। अगर वो इन दोनों को नकार दें तो तीसरा है कि उनके साथ में सशस्त्र युद्ध करो और उनकी हत्या कर दो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा उनको मारने के लिए। अल्लाह हमेशा साथ देता है दोस्तों। आज भी पाकिस्तान की टीम ने कहा है कि अल्लाह अगर हमारा साथ देगा और हमारे साथ खेलेगा तो हम 400-500 रन बना देंगे। लेकिन स्थिति ये है, वो जो अभी तक रन बना पाए हैं वो 400-500 के आसपास भी नहीं पहुंचा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाली जो टीम है वो खुद भी अल्लाह की ही सेना है। अगर हम अगले मैचेस की बात करें तो उसमें भी 400-500 रन बनते हैं अथवा नहीं यह भी देख लिया जाएगा, और अल्लाह किसका साथ देता है और किसका नहीं देता है यह भी हम और आप देखने वाले हैं। दोस्तों इनके अलावा भी बहुत सारी आयतें कुरान में और हदीसों में भरी पड़ी हैं जो कहती हैं सरेआम और स्पष्ट तौर पर कि सभी मुशरिकों को निपटा दो, ख़त्म कर दो और यहाँ पर पूरी तरीके से इस्लाम का शासन कर दो। आज जो भी हम खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। यह किताब जो इन लोगों को सिखा रही है इस तरीके से करने के लिए, हमारी सरकारें जो विश्वास जीतने में पूरी तरीके से मशगूल हैं, हमारा संविधान जो पूरी तरीके से इनके कदमों में बिछ चुका है, हमारी पुलिस जो आज भी इन बातों को स्पष्ट तौर पर समझने की कोशिश नहीं कर रही है और वो इधर उधर गाहें बहाएं झांक रही है कि इस तरीके के जुल्म सितम और अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता है। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना और जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरीके की और भी बहुत सारी आयतों को हम समय समय पर आपके सामने लाते रहते हैं, आप उनको जानिए, समझिए और अपने लोगों को जागरूक कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने सभी मित्रों तक अवश्य भेजें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।